हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मयूरास फूडी रसोई। मैं हूँ मयूरा और आपका मेरे रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समर टाइम शुरू हो चुका है, साथ ही बच्चों की छुट्टियां भी, तो उन्हें खाने के साथ टीवी देखते समय कुछ ना कुछ स्नैक तो लगता ही रहता है, और साथ ही बड़ों के आईपीएल भी है तो स्नैकिंग तो बनती है। तो आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी के साथ कुरकुरे क्रिस्पी मैक्रोनीज, जो बच्चों के फेवरेट है। बहुत ही कम समय में झटपट से रेडी होने वाला ये स्नैक काफ़ी स्वादिष्ट और एकदम यमी लगता है। इसका कुरकुरापन देखना है तो ये आवाज़ सुनिए। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाते हैं आज की ये रेसिपी। फ्रेंड्स, इसी तरह के इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मयूरास फूडी रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम मैक्रोनी। आप इसे किसी भी पास्ता के साथ बना सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे सूजी का, आटे का पास्ता अवेलेबल है, तो आप कोई सा भी पास्ता चूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ खूब सारा पानी गर्म करने के लिए रखा है, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के नमक और 1 छोटी चम्मच भर के तेल। अब जब तक इसमें उबाल आता है, इसे हिला लेते हैं, तब तक हम बना लेते हैं हमारा मसाला मिक्स। तो मैं मसाला मिक्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काला नमक, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये अपने हिसाब से हम लेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी है, जीरा पाउडर, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तंदूरी मसाला। आप यहाँ पे पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, पानी पूरी मसाला, मैगी मसाला, आपको जो मसाला पसंद है, जो अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। इसमें आप काली मिर्च भी डाल सकते हो, और हमारा मसाला मिक्स रेडी है। अब हम इसी मसाले से हमारे मैक्रोनी को फ्लेवर देने वाले हैं। तो यहाँ पे मसाला हो गया रेडी और पानी में बॉईल आ गया है, तो मैं इसमें पास्ता डाल देती हूँ। अब इसे हाई फ्लेम पे हमें चलाते रहना है, जब तक कि पास्ता नहीं 90% कुक होना चाहिए, पूरा कुक नहीं होना चाहिए। इसे हम चेक करके देखते हैं। इसे मैं कट कर लेती हूँ, ये देखिए ऐसे। तो ये पूरा तरह से नहीं गला है, तो हमें इतना ही काफ़ी है। तो मैं गैस की फ्लेम बंद कर लेती हूँ। अगर ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा तो ये बन नहीं पाएगा। तो हम इसे छान लेते हैं और इसे ठंडे पानी से धो लेते हैं, ताकि ये और कुकिंग ना हो इसकी। अगर ये ओवर कुक हो गया तो हमें जैसा कुरकुरे बनने के बाद में जैसे चाहिए होते हैं, वो वैसे नहीं बनेंगे। ये देखिए, ये काफ़ी मॉइस्ट लग रहे हैं, तो हमें ऐसे ही मॉइस्ट चाहिए, ताकि हम इसके ऊपर जो आटा डालने वाले हैं ये अच्छे से कोट हो सके। तो इसे पूरी तरह से नहीं सुखाना है। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छा और मॉइस्ट लग रहा है। अब हम इसे आटे से कोट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच भर के मैदा। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है, और ये ध्यान रखना है कि हमारी पास्ता ना टूटे। आप इसे शेक शेक करके भी इसे कोट कर सकते हो, ये देखिए ऐसे, और ये बिल्कुल अच्छे से कोट हो गए हैं, ये देखिए। दोस्तों, ये याद रखना है कि ये बिल्कुल अच्छे से कोट होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे कुरकुरे मैक्रोनी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसका एक्सेस फ्लोर हम निकाल लेते हैं। इसे मैंने डाल दिया छलनी पे और इसको छान लेते हैं, तो इसका एक्स्ट्रा जो आटा है वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करके रखा था, अब हम इसे बैचेस में फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म करें मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर, और थोड़ी थोड़ी मैक्रोनी हम इसमें डालेंगे। ध्यान रखें कि ज़्यादा एक साथ ना डालें। अब यहाँ पे एक टिप है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के 30 से 40 सेकेंड तक हमें इसमें छलनी कलछी कुछ नहीं डालनी है, इसे अपने आप फ्राई होने देना है। जब ये ऊपर आ जाएंगे अपने आप, तब हम इसमें छलनी और कलछी डालेंगे। इससे ये होगा कि ये टूटेंगे नहीं और इवनली ये फ्राई हो जाएंगे। हमें इसे फ्राई करना है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर, इसमें सिर्फ 3 से 4 मिनट हमें लग सकते हैं। ये देखिए,
अब आप देख रहे होंगे कि जो बबल्स आ रहे थे इसमें वो धीरे धीरे से कम हो रहे हैं, मतलब ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो चुका है और कलर भी इसका चेंज हो रहा है। ये देखिए अब सारे बबल्स सेटल हो चुके हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गया है, एकदम क्रिस्पी और गोल्डन लग रहा है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये आवाज ही बता रही है कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो हम इसी तरह से अगला बैच भी फ्राई कर लेते हैं। हम जब इसे निकाल रहे हैं तो किसी टिश्यू पेपर पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि मसाला कोट होने के लिए इसका ऑयली रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देते हैं दूसरी टिप, जब भी हम इसे फ्राई करने के लिए डालते हैं तो कड़ 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 जैसी आवाज़ आती है तो ये पानी की वजह से आती है। थोड़ी देर के बाद में ये अपने आप शांत हो जाती है, जैसे बबल्स कोलैप्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी अच्छे तरह से फ्राई हो रहा है और परफेक्टली क्रिस्पी बनेगा। तो इसे भी हम बाउल में निकाल लेते हैं और इस तरह से हमने सारे मैक्रोनीज को फ्राई कर लिया है। ये काफी क्रिस्पी है, इसकी आवाज सुनकर देखिए। तो ये काफी क्रिस्पी और एकदम बढ़िया से फ्राई हुए हैं। तो हम इसमें फ्लेवर देने के लिए हमारा मसाला मिक्स जो हमने बनाया था वो इसमें डाल देते हैं। अब ये हमारी चॉइस है, हमें जितना कितना इसको मसालेदार बनाना है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो मैंने जितना बनाया था मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने सभी इन्ग्रीडियंट्स एक एक चम्मच डाले थे तो ये अच्छे से मैंने डाल दिया है। अब इसे हमें मिक्स करना है मैकरोनी के साथ। शेक शेक करके कीजिए, हाथ से कीजिए, ये देखिए। और हमारे मसाला मैक्रोनी, कुरकुरे मैक्रोनी बनके तैयार है। लग रहे ना एकदम बढ़िया। और ये लीजिए हमारे क्रिस्पी कुरकुरे मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट डब्बे के अंदर। ये काफी लंबे समय तक वैसे ही स्वादिष्ट बने रहते हैं, मसालेदार, क्रिस्पी और एकदम कुरकुरे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखें, आपके फैमिली में बच्चे बड़ों को सभी को ये खूब पसंद आने वाले हैं और बनने में एकदम आसान और एकदम बढ़िया। आपको ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो फ्री है तो बिल्कुल ज़रूर करें। तो मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। देखते रहें मयूरा फूडी रसोई। थैंक यू।